नमस्कार दोस्तों, इसके पहले की सीरीज में हमने देखा था कोई भी जोड़ 5 सेकंड में कैसे करें। तो हो सकता है आपको कुछ डाउट रहे हो। अगर अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके कुछ उदाहरण और बता देंगे। पूरी मैथ में दोस्तों केवल और केवल जोड़ घटाना गुणा और भाग है। चैप्टर बदल सकते हैं, सूत्र बदल सकते हैं, लेकिन करना आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोई भी गुणा मात्र 5 सेकंड में। हो सकता है आपको मजाक लग रहा हो, क्योंकि ऐसा पहले ना तो आपने कभी देखा होगा, शायद ना सुना होगा, क्योंकि मुझे लगता है इसका प्रयोग मैंने ही पहली बार कई किताबें, 8-9 किताबें पढ़ने के बाद, उस पर शोध करने के बाद, और फिर उसको कई सवालों पे अप्लाई करने के बाद, आज से 3-4 साल पहले अपने कोचिंग में बैंक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। और मैं भी इसी की वजह से, इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से 5 बैंकों में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन किस्मत में टीचिंग लिखी थी तो टीचर बन गया। और आपको अब बताने जा रहा हूँ, इसके थ्रू हमारे कई बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठाए और सिलेक्ट हुए बैंक में, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरत होती है, तो ये सब मेथड काम आते हैं। और इसका दूसरा प्रयोग दोस्तों, आज के समय में जो हमारे शिक्षक भाई हैं स्कूलों में, बच्चों को सवाल दे तो देते हैं गुणा के, 40-50 बच्चों को अगर 5-5, 6-6 सवाल भी दिए गए हैं गुणा के, तो कितनी कॉपियां चेक करेगा? आलस के चक्कर में हो सकता है एक दो चेक कर ले, उसके बाद बोल देगा कि ऐसा है, चलो दो लोगों की कॉपी से सारे लोग मैच करा लो, उसके बाद वो चेक नहीं करते होंगे। क्योंकि हर बार गुणा करना, हर बार आंसर मिलाना, ये सब बहुत झंझटी काम होते हैं। आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे 5 या 6 सवाल मुश्किल से 5-6 मिनट से भी कम में आप हल कर सकते हैं और उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये मैं इसमें इस चीज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कंपटीशन में भी आप लोग जहां पे विकल्प दिए रहते हैं, अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं थे क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने अभी बनाए हैं, तो विकल्प जहां पे दिए रहे आपको उसमें भी यही अप्लाई करना है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। नियम वही है जो पहले आपने पढ़े हैं कि संख्या के, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनके अंकों को आपस में आपको जोड़ देना है। और दूसरा नियम कहता है कि कहीं भी संख्या में आपको 9 दिखाई पड़े तो उसको आपको 0 मान लेना है, 0 के बराबर समझना है और कुछ नहीं। और इसके अलावा जो तीसरा नियम है, अगर इनको जोड़ने में 2 अंक हो जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए 6, 4, 10 हो गया, तो 10 हो गया तो दोनों को फिर से आपस में जोड़िए। 10 का मतलब 1+0 यानी 1। आपको संक्षिप्त, एकदम जितना संक्षेप आप कर सकते हैं उतना संक्षेप कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 9 का मतलब 0 हो गया, 5, 4, ये देखिए 5, 4, 9 हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आपको केवल जोड़ना है 6 और 1 यानी 7 गुणा। दोस्तों बीच में सवाल के जो निशान है उसको आपको नहीं टच करना है, उसको ऐसे ही लिख देना है, केवल संख्या के संक्षेप को इधर लिखना है। और जो निशान है, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ का निशान है, तो यहाँ पे जोड़ का निशान और यहाँ पे गुणा का निशान है, तो इसको ऐसे ही रख देना है। अब दूसरी संख्या देखिए, 5, 4, 9 हो रहा है, 8, 1, 9 हो रहा है, तो इसका संक्षेप आ गया 0, क्योंकि 9, ये भी 9, दोनों को 0, 0, 9, 9 जोड़ेंगे भी तो 18 हो जाएगा, 18 को आपस में जोड़ेंगे फिर 9 होगा, और 9 का मतलब हमें 0 समझना है, या शॉर्ट में ये कहें कि 9 पहले ही हो रहा है दोनों, तो 0 हो गया। अब आपको पता होगा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगा, तो हमारे प्रश्न का संक्षेप हो गया 0। अब उत्तर का संक्षेप हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 8, 1, 9 हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, 5, 4, 9 हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, 6, 2, 8, 1, 9 ये भी 0 हो जाएगा, 9 का मतलब 0। तो आपके प्रश्न का संक्षेप भी 0 है और उत्तर के संक्षेप का, उत्तर का भी संक्षेप 0 है, यानी आपका सवाल 100% सही है। दूसरा सवाल देखते हैं, 9 का मतलब दोस्तों 0 हो गया, 6, 3 का मतलब 9 हो गया 0, और 5, 1, 6, तो यहां से आया 6, हम गुणा का निशान बीच में लगा देंगे, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 आएगा यहां से, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है, जो भी आए हैं दोनों संख्याओं के संक्षेप इनको आपस में गुणा करना है, क्योंकि निशान बीच में गुणा का है, तो 7×6, 42।
अब देखिए 42 आया, दो अंक हैं, दो अंक के बाद हमारा नियम कहता है कि दोनों को फिर आपस में जोड़ दीजिए, 4 + 2 यानी क्वेश्चन का संक्षेप आया 6। उत्तर का देख लेते हैं, 9 का मतलब 0 हो गया, 8 × 1 = 9 का मतलब 0 हो गया। तो आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं कहाँ कहाँ से 9 हो सकता है, उसको पहले 0 कर दीजिए, 7 × 2 = 9 = 0 हो गया। अब ये 3 अंक बचते हैं, 7 × 5 = 12, 3 = 15, 15 का मतलब 1 + 5 यानी 6। तो प्रश्न का संक्षेप भी 6 है और उत्तर का संक्षेप भी 6 है, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें चाहे दशमलव हो चाहे ना हो, या एक संख्या में दशमलव हो एक में ना हो, कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको दिया गया है विकल्प, उसमें आपको केवल इन्हीं के अंकों का योग संक्षेप जो आएगा उसी को मैच कराना है। जैसे यहाँ पे दशमलव वाला सवाल हमने दिया है, 9 का मतलब 0, दशमलव आप भूल ही जाइए, कोई मतलब नहीं है। 7 × 5 = 12, 3 = 15, 15 का मतलब 1 + 5 यानी इधर से आया 6 गुड़े, गुड़ा का निशान है इसलिए गुड़ा का निशान बीच में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9 हो गया और 3 × 1 = 4, तो 9 का मतलब 0 ही हो गया, 3 × 1 = 4 बचा। यहाँ पे हम इसको रखेंगे, 6 × 4 = 24, और दो अंक में है तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 यानी हो जाएगा ये 6। तो हमारे प्रश्न का संक्षेप आया 6। अब उत्तर का देख लेते हैं, 8 × 1 = 9 देखिए यहाँ से 0 हो रहा है, 5 और 4 = 0, 5 और 4 = 9 हो रहा है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा कौन कौन, 1, 1, 2, 3 और 3, 6, 9, ये भी 0 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा 6, तो यहाँ पे केवल आ जाएगा 6। प्रश्न का संक्षेप और उत्तर का संक्षेप बराबर है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो ये है मेथड, इसकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये 90% सवालों में ही सही होता है कंपटीशन में, और गलत किस केस में होगा वो बहुत ही कम केस होते हैं, वैसे अधिकतर ये अप्लाई होता है, मैंने चेक किया है। कहीं कहीं पे जैसे ऑप्शन रखने में ही आयोग क्या करता है, आप उसको पता नहीं रहता, गलती से ही वो होता होगा, किन्हीं दो ऑप्शन के संक्षेप प्रश्न के संक्षेप से मिल जाते हैं, जो दो ऑप्शन के संक्षेप आ रहे हैं उत्तरों के वो मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके दो ऑप्शन सही लगने लगते हैं, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, फिर दो ऑप्शन अगर आपको लगते हैं कि सही हैं तो उसको आप फिर से थोड़ा बहुत गुणा करके, मान लीजिए 2 अंक तक कर लिया, तो उसमें पता लगने लगता है कि हाँ लास्ट में ये वाले अंक आ रहे हैं, इसमें है आखिरी के 2 अंक, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के केसेस में गलत होता है, और बैंक में ही गलत होने के चांस होते हैं क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें कभी कभी 2 ऑप्शन के संक्षेप मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा अन्य एग्जामों में बहुत कम होता है, गलती से हो गया तो हो गया वरना नहीं होता। तो ये था दोस्तों आपका गुड़ा, 5 सेकंड में आप प्रैक्टिस करिए, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।